हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर संजीव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शिष्टाचार, भोपाल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज लाइक व्हाट इज स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मशीन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इफ ऑल्सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट द स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू गिव एन एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड डिजाइन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट वी कैन बी एबल। नाउ द बेस सम बेसिक इंट्रोडक्शन या सम बेसिक डिफिनेशंस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द व्हेन यू अप्लाइड अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, अ रेजिस्टिंग फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इज सेट अप इन द कंपोनेंट, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन ए मटेरियल इज कॉल्ड द स्ट्रेस एट ए पॉइंट। मैथमेटिकली we can be say that stress is the ratio of force per unit area, the unit of force that is newton and the unit of area that is meter square. So now the unit of stress is newton per meter square. We can be say that is a pascal, means 1 pascal is equal to 1 newton per meter square. If units are given in kilopascal, we can be change in the form of पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10 पावर 3 पास्कल या 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ गिवन मेगा पास्कल, दैट इज 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 पावर 6 पास्कल या 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10 पावर 9 पास्कल या 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 10 पावर 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। That types of stress, there are mainly three types of stress: simple or direct stress, the tension, compression, and shear; indirect stress, the bending or torsion; and combination of one and two, that's the combined stress. If we pull anybody, that's called tensile, or push, that is compressive, if the load applied on the face, that is called shear stress. Strain. That is strain defined as the ratio of change in length upon original length. If we applied the external load, the external force on a body, body deform. That is a change in length. That represented by del L. If the dimension, if the diameter change, that is del D of initial length, that is L, or in the form of diameter, we can be write here that is diameter capital D. There are mainly four types of strain: tensile strain, compressive strain, volumetric strain and shear strain. One of the most confusing words, that is load. Load and stress, sometimes it may confuse about the load and stress. That's we are going to clear that load is applied on the body whereas stress is induced. That is stress is the region of load, nor load is the region of stress. My means लोड की वजह से स्ट्रेस होगा, ना कि स्ट्रेस की वजह से लोड जनरेट होगा। द लोड मे बी डिफाइंड एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। द लोड इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर एज स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। द लोड मे बी क्लासिफाइड दैट इज टेंसाइल, कंप्रेसिव, टॉर्शन लोड, बेंडिंग लोड और शेयरिंग लोड। यहाँ पे हमने जो लोड डिस्कस किया है वो सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से किया हुआ है। So many types of load, that is a dead load, static loads,
Here we are not going to discuss about that types of load. Now we are going to discuss about the stress strain diagram for ductile and brittle material. So, हमें पहले पता होना चाहिए कि what is the difference between ductile and brittle material. Ductile material can be drawn into wire form, but brittle material cannot be drawn into wire form. Ductile material show deformation, means जब भी किसी body में deformation होगा वो ductile में ही represent होगा. But in the case of brittle material, there is no deformation. In the case of brittle material, do not show any deformation. Ductility is affected by temperature, but brittleness is affected by pressure or stress. Major example of ductile materials, that is metals, ceramic or glass, are the brittle materials. That is stress strain diagram for brittle and ductile. The vertical line represents that is stress, and the horizontal line represent strain. The red in the graph, red lines represent brittle material and the blue line represent the ductile material. According to the Hooke's law, normal stress is directly proportional to strain. If we remove the proportionality limit, we can be used normal stress upon normal strain equal to Young modulus, Young modulus of elasticity, and shear stress upon shear strain, that is shear modulus, Young modulus of rigidity, and direct stress upon volumetric strain, that is bulk modulus. यदि आपका मटेरियल ब्रिटल है तो हमने आपसे पहले डिफरेंस में बताया कि इन द केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल वी कैन नॉट शो दैट इज डिफॉर्मेशन. तो मींस जैसे ही बॉडी में आपने लोड अप्लाई किया कि ये हुक्स लॉ को अप टू द फॉलो प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट, जैसे आपका प्लास्टिक लिमिट आएगा मटेरियल आपका डिफॉर्म हो जाएगा. मींस जैसे आपका यील्डिंग क्रिएट होगा ब्रिटल मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाएगा. लेकिन इन द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल it have ultimate point yield, it have proportional limit, elastic limit, proportional limit, ultimate points and flexure points. means ultimate point में के बाद भी material आपका का fail नहीं होगा. यदि आपका material ductile material है तो उसमें जब भी material आपका fail होगा उसमें दो section मिलेंगे, that is cup and cone structure. but in the case of brittle material it's have only that is cracks. material की जैसी आपका प्लास्टिक पॉइंट्स के बाद आपका मटेरियल आपका फेल हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल. इन दिस डायग्राम सेम दैट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेन. द येलो लाइन रिप्रेजेंट द इलास्टिक रीजन एंड ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द प्लास्टिक रीजन या दैट यील्डिंग पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट स्ट्रेन हार्डनिंग एंड द नेकिंग पॉइंट्स. There are two lines. Red line represents the true stress strain diagram for due to the actual area, and the engineering stress strain diagram that is represented by black lines. It is a region of original area. In the case of true stress strain diagram, we use area that is instant area. जैसे जैसे आपके cylindrical form में area में changes आएंगे, अगर उस area को use करेंगे, that is उसके थ्रू जो ग्राफ बनेगा दैट इज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. बट यदि हम नेकिंग के थ्रू कि जब आपका मटेरियल नेकिंग स्टार्ट होगा उसके थ्रू जो आपका डायग्राम बनेगा दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. कि जब आपका प्रोपोर्शनल लिमिट द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मीन जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे ही आपके स्ट्रेन में चेंजेस आएंगे, दैट्स लिमिट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट. एज इंक्रीज ऑफ लोड body deform, but as the remove body regains to original shape, that's limit is called elastic limit. कि जैसे आपने किसी body में load apply किया body deform हो गई, लेकिन जैसे आपने remove किया it regain to original shape, means वो अपने original shape में आ जाए, that is elastic limit. but as the increase of again load body deform and body permanently deform, that's called plastic limit या yield points started. As again increase of loaded that the points reached up to the maximum load, it means उस point के बाद अब आप maximum load आप कोई भी load apply नहीं कर सकते. means जैसे आप load apply increase करोगे body deform हो जाएगी, that's points का ultimate point. and after that's point is called fracture. means आपने जैसे ही load को थोड़ा और increase किया body में deformation आपको दिखने लगे, that's called fracture points.
Here we have two more graphs for ductile materials. One represents like similar to the previous diagram, but we have some relation that is stress, that is sigma t, that represents true stress equal to k into epsilon t power n. Epsilon t, that is the represents the strain in the case of true strain, n, that is a represents the strain hardening. The value of n equal to 0 for perfectly plastic and n equal to 1 for elastic solids. For most metals, its value have 0.1 to 0.5. From the stress strain diagram, we have some calculation that yield strength equal to load at the yield point upon A naught. A naught, that original area, can be calculated A naught equal to pi by 4 d naught square. Ultimate strength equal to ultimate load upon A naught, that the original area. Ultimate load means that the maximum load, P max upon A naught, that the original area. Percentage elongation equal to final length minus original length upon original length into 100. And a reduction, percentage reduction in area equal to AF, that the final area cross section, minus A naught, the original area, upon A naught into 100. And a Young modulus of elasticity, capital E, equal to low stress at point within elastic limit upon strain at that point. In next lecture, I will discuss about the mechanical properties of material, extension and shortening of bar, basic numericals, elongation of bar due to self weight. Thank you. Have a nice day.